यहाँ से खींचते। चलो भाई फोटो आ रहा है भाई। अरे फोटो आ रहा है तो नॉर्मल वे में यार, ये लग्न है सरदार जी के खींचते हैं, ये क्यों बंद होता है? मना कर रहा कि मत भागा तो 55 नंबर मेजर का किस लेते थे? देख लो थोड़ा स्लो। मिल जाओगे तब आपसे कुछ भी करवा लो। अभी आप किसी से कुछ भी करवा सकते, करने को तैयार हो। अगर शुरू शुरू में ऐसे कर सकते नहीं करना, तो ये ग्राउंड का और आपका मिलाप इसे बुरा नहीं मानना है, ठीक है सर? थोड़ा इधर से इधर वाला कहना है, नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आज आपको बताएंगे साहब का किस लिए 11 नंबर था ज्यादा। आज आपको बताएंगे ये भी सुन लो, स्टल के बारे में चल रहे हैं वो कहानी अपना आप चलते हैं। पहली बात तो शुरुआत से कटवाना जरूरी है ना, देखिए स्टल है सर, ठीक है सर। नाइक में आप एक दो नंबर का मेरा फोटो भी ले लेना, याद रहेगा ना अगर आप फ्री रहे। वीडियो ही बना रहा हूं, फोटो नहीं। कोई बात नहीं, जो भी है दो नंबर का एक फोटो। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक कट लगेगा। अगर वाले बंदे से अगर आपने कोई छीना झपटी करनी है तो पहले तो आपके दिल में क्या होना चाहिए, पर्सा यार वो ब्रीफ कर रहे हैं आप लोग, क्या हाल कर रहे हैं? बातचीत करने तो साइड में कर लो, चलो यार ये तो डेमो गोली निकालेगी और उस गोली पे पता नहीं किसका नाम है। ऐसा ही केस हुआ था आपका, फोटो आपने तो करवाई नहीं, हम तो करवा रहे हैं। पीटीए है तगड़ा आजाद। वीडियो बना रहे हैं लेकिन झगड़ा कर रहा है, तो अगला दबाना बंद हो जाएगा। वीडियो ऐसे भेजेगा तो वहां से बंद हो जाएगा। मेरे तो ये भी नहीं है, मेरे को आप से बैठ करेंगे सर, कभी भी किसी भी थ्रेड का वेपन यूज नहीं करना, वीआईपी सिक्योरिटी में तो खासकर। इसके वेपन में क्या मैकेनिज्म है हमें नहीं पता, इसके पास इसमें कितनी गोलियां थी हमें नहीं पता। अगर हमारे पास वेपन है तो हमें उसके वेपन को आप सर ड्यूटी कर रहे हैं कहीं पर खड़े हुए हैं या फिर नॉर्मल खड़े हुए, आपको किसी ने बैक थ्रेड दिया, बैक थ्रेड से आपको पिस्टल उन्होंने हिंसा बोला आपको उसे देखना है। इतनी जल्दी आपको वो नहीं मारेगा उस्ताद, क्योंकि उसके पास क्या है, पावर है, उसके हाथ में वेपन है, वो आपको क्या दे रहा है, बैट दे रहा है। तो पता भाई ये तो निहत्ता है और आप एक डर दिखाओगे तो आपको वो देखना है कि उसके हाथ में वेपन है या फिर केला है या चाकू है, किस चीज का थ्रेट है। तो हो सकता है लकड़ी लिया है इतनी बड़ी और भाई आंसर, तो वो भी तो आपका काम है भाई। चाकू है तो ईजी है और पिस्टल है तो बहुत हार्ड है। पिस्टल की गोली चलेगी, चाकू से तो ज्यादा से ज्यादा वो कट लगेगा, समझ में ना? ये आपने करना है, करने के साथ में देखिए फुट मूवमेंट। फुट मूवमेंट क्या किया, आगे पीछे। मेरा हैंड मास्टर साइड कौन सी है? राइट साइड। जब मैं यहाँ से टर्न करूंगा तो मेरे राइट साइड इजी पड़ती है, तो मेरा टर्निंग ये होगा जब, क्योंकि मैंने फुट मूवमेंट आगे पीछे कर रखे हैं। अगर मेरे फुट मूवमेंट दोनों बराबर रहेंगे तो मैं टर्न करूंगा तो मेरी ऊपर की बॉडी टर्न हो जाएगी, मगर नीचे की बॉडी टर्न नहीं करेगी, क्योंकि मेरे दोनों लेग मूवमेंट कैसे हैं,
बराबर खड़े हुए हैं। जब आप डरते हैं, डरते टाइम फुट मूवमेंट चेंज करना है और उसी के साथ एक ही झटके में अंदर घूमना है, ये लॉक करना है और यहाँ से एल्बो हिट करना है, एल्बो हिट करना है, यहाँ से निकालना, वही जो आपने फिजिकल अटैक में सीखा, हैमर मारना है, गर्दन को लॉक करना है, वेपन को वहीं रखिए, घुमाइए, दो बार नी अटैक कीजिए, नी अटैक किया, नी अटैक करने के बाद सर ये वेपन है, फायर हुआ या नहीं हुआ हो भी सकता है, सीना जब्ती के दौरान वो नहीं हुआ तो आपको उंगली फंसी हुई है, ऐसे स्लाइड के ऊपर से पकड़िए, जहाँ से खींचते हैं ना हम लोग शो करने के लिए स्लाइड, अंगूठा लगाइए स्लाइड पर, उंगली रखिए और इसको इनकी तरफ खींचिए, क्योंकि इनका ग्रिप छोड़ना है, ये ग्रिप छूटा वेपन को बाहर निकालिए और इनके सिर में मारिए, एक फेस में मारिए, पुश कीजिए, पुश करके वेपन को अपने पीछे फेंकिए, कभी भी थ्रेड की तरफ वेपन नहीं फेंकना है, एग्जाम में भी आपको वेपन को कभी भी थ्रेड के सामने नहीं फेंकना है। अच्छा सर, हमारी तालियां तो हम बाद में देखेंगे, तालियां तो तुम अभी निकाल ही रहे हो, समझ में आ गया तब तो तालियां बजाएं, भाई समझ में आ गया तो छोड़ दें यहीं पे, नहीं आया क्या स्टेप तो नहीं है, ये बता दे स्लो मोशन, हां ये आई ना बात, आ जाओ सर, देखिए इन्होंने मुझे बैक थ्रेड दिया, वो फ्रंट थ्रेड दिया, ठीक है सर, दिख रहा सभी को फ्रंट थ्रेड दिया, यहां तक खड़ा हो जाओ, पीछे आ जाओ, खड़ा हो जाओ सर, हरकत तेज कर ले आप लोग, कोई नहीं दिखाई देगा, मुझे थ्रेड दिया, इन्हें अपनी मनमानी निकलवानी है, मुझे सीधा हैंड साफ नहीं करना, ठीक है ना सर, अगर सीधा हैंड साफ ऊपर कर दूंगा तो इस वेपन को कैच करने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस लंबा हो जाएगा और मेरे हाथ की कार्रवाई सामने वाले को नजर आ जाएगी, यहाँ से करना सर मेरे को कुछ नहीं सर, डर दिखाना है, जिससे क्या होगा वो थोड़ा सा कुछ पड़ेगा, आप डर चुके हो ऑलरेडी, ऐसा फेसिंग करना है, और जब आप हैंड साफ करते हो, जब आप हैंड साफ करते हो तब आप डायरेक्शन आउट करना है, फर्स्ट फायर हो तो कहां पर हो, सेफ डायरेक्शन, उसके बाद मूवमेंट के साथ पंच हिट करना है और अपने पैर को कहां लेके जाना है, थ्रेड के पैर के पीछे, क्यों लेके जाना है सर पीछे, क्या गिर जाएगा, डिसबैलेंस नहीं सर, ये डेड लॉक है, ये इनकी साइड को हमने क्या किया, डेड कर दिया, ये उस हाथ से मुझे हिट नहीं कर सकते और मैं इनको प्रॉपरली हिट कर सकता हूं, ये यहां से कहीं भाग नहीं सकते, ये भागने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ उस साइड करेंगे और उस साइड अगर भागेंगे तो मैं इनके साथ में इनको कवर करता रहूंगा, समझ में आया ना सर, और इधर उधर ये इधर नहीं भाग सकते क्योंकि इधर मैं ऑलरेडी इनको हीट कर रहा हूं, यहां से आगे जब आपने दो बार पंच हीट किया, पंच हीट के बाद ये जो स्लाइड है इसको यहां दो उंगली से पकड़िए और इनकी उंगली फंसी हुई है सर, इस वेपन को इनकी तरफ लेके जाइए, अगर फायर नहीं हुआ तो इनके ऊपर फायर कराइए, एक बार ये घुमाइए, वापस लीजिए, निकालिए, ऊपर मारिए, प्रेस कीजिए, वेपन को फेंकिए और स्टॉप, डोंट मूव, आया सभी के समझ में सर, ध्यान रखिएगा सर फ्रंट अटैक में, फ्रंट थ्रेड में ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको कोई थ्रेड देता है सबसे पहले क्या देखना है, उसकी उंगली को, अगर उसकी उंगली ऊपर है तो खतरा कम है और अगर उसकी उंगली अंदर है तो खतरा ज्यादा, और सर इसे तभी करना है जब आपके अंदर गट्स है और आप पक्का इरादा बना चुके हैं, जब कंडीशन आ गई करो या मरो, समझ में आया ना सर, और ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है कि नहीं कर सकते, कई लोगों ने किया है, आप वीडियो देख लेना कि हमें अमेरिका के अंदर स्टेज पे जाके ऐसे थ्रेड दिया और स्टेज पे जाके उसने इस तरीके से उसको साइड दे दी, तब
तक पीएसओ ने आके जो अटैकर आया उसको जाके दबा लिया। अब वीडियो देख लेना नेट पर, समझ में आया सर? दोनों आपको फ्रंट एंड बैक कुछ चेक रहेगा किसी के?